हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो से हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो कंप्यूटर साइंस का कोर सब्जेक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कई सारे पर्सपेक्टिव में अगर बात करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आपका गेट एग्ज़ाम या नेट एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रखता है डेटा स्ट्रक्चर। दूसरा है, अगर बात करें क्या नाम है कंपनीज़ के इंटरव्यू की, तो कंपनी अगर कोई भी कंपनी में हम जैसे कैंपस प्लेसमेंट या ऑफ कैंपस में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका डेटा स्ट्रक्चर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो कोर्स है डेटा स्ट्रक्चर का, तो इसमें जो भी आपको जो है जिस पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस किया जाएगा, इसमें सारी चीज़ों को कंसिडर करेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो आपका गेट के पर्सपेक्टिव से भी सिलेबस को कवर किया जाए, प्लस जो है इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें जैसे जैसे हम लोग टॉपिक आगे डिस्कस करते जाएंगे वहाँ चीज़ें आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि आपका डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली। तो यहाँ डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिखी हुई है, 1 by 1 देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड as an arrangement of collection of data, okay, so that they can utilize efficiently। तो यहाँ जो important point क्या है आपका, arrangement of collection of data, okay। तो data structure basically क्या होता है, arrangement of data, arrangement of collection of data, okay। तो अब इसको एक example से समझते हैं कि basically data structure कहाँ जो है use होता है और किस तरीके से हम data structure को समझते हैं। तो for example किस तरीके से जो है एग्जीक्यूशन में डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सपोज दैट ये आपकी मेन मेमोरी है, ओके, ये आपकी मेन मेमोरी जिसको रैम भी कहते हैं, ओके, और ये आपका क्या है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका काम क्या होता है कि जो भी आपका इंस्ट्रक्शन दिया होता है वो 1 by 1 क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये आपकी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके, और ये आपका मेन मेमोरी है, और ये आपका क्या है हार्ड डिस्क, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव जिसको कहते हैं। ये आपका क्या होता है सेकेंडरी स्टोरेज, ये होता है आपका प्राइमरी मेमोरी जिसको रैम कहते हैं, और सेकेंडरी स्टोरेज को क्या कहते हैं हार्ड डिस्क। तो फॉर एग्जांपल कि किस तरीके से पहले इस मतलब इस पिक्चर के थ्रू हम लोग ये डिस्कस करेंगे किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ओके। तो ये आपका हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क किस तरीके से कनेक्टेड होती है रैम से, इस तरीके से। तो सपोज दैट अगर आपके पास एक फ़ाइल है जिसको कहते हैं हम प्रोग्राम फाइल, सपोज दैट ये आपकी क्या है प्रोग्राम फाइल। दो तरह की फ़ाइल होती है मेनली, एक आपकी होती है प्रोग्राम फाइल और दूसरी होती है डेटा फाइल, ओके, डेटा फाइल। तो सपोज दैट प्रोग्राम फाइल एक एग्जांपल लेके एक समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक वीडियो प्ले करनी है फॉर एग्जांपल, ओके, तो वीडियो क्या होता है बेसिकली, डेटा क्या होता है, डेटा का फॉर्मेट जो होता है वो आपका क्या होता है इमेज भी होता है, यानी इमेज फाइल होती है, ऑडियो फाइल होती है, और वीडियो फाइल होती है, और टेक्स्ट फाइल होती है। यानी मेनली ये जो होता है आपका टेक्स्ट फाइल, इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, ये सारे क्या होते हैं बेसिकली डेटा होते हैं। तो वो कहाँ, सपोज दैट अगर हमने कोई एक वीडियो रिकॉर्ड की फॉर एग्जांपल, जैसे ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये क्या होगा आपका रिकॉर्ड हुआ, और इसको अगर हम कंप्यूटर में स्टोर करेंगे तो वो कहाँ जाएगा आपका सेकेंडरी स्टोरेज, यानी हार्ड ड्राइव में। ऐसे अगर आप फ़ोन की बात करें, अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन है, तो उसमें अगर हम कोई भी वीडियो कैप्चर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो वो कहाँ जाता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज में। अब सपोज दैट क्या करना, हमें वो वीडियो प्ले करनी है, तो उसके लिए क्या होता है आपके पास एक कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर का मतलब जैसे अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन की बात करें इस तरीके से आपका क्या होता है MX प्लेयर, ओके। MX प्लेयर क्या होता है, एक आपका प्लेयर होता है जिसके थ्रू वीडियो प्ले होती है, या जो एंड्रॉयड फ़ोन हमें मिलता है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि उसमें हमें एक प्लेयर मिलता है, या तो उसके थ्रू हम प्ले कर सकते हैं, या तो कोई नया सेटअप इंस्टॉल करने कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके लाइक MX प्लेयर, उससे क्या करते हैं वो वीडियो प्ले करते हैं। डेस्कटॉप या लैपटॉप की बात करें तो अगर हमें वहाँ कोई वीडियो प्ले करनी है तो उसके लिए क्या होता है आपका VLC मीडिया प्लेयर, या बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा विंडोज़ अगर सिस्टम है तो उसमें विंडोज़ मीडिया प्लेयर होता है, ओके। तो उसको क्या कहते हैं प्रोग्राम फाइल या सॉफ्टवेयर, ओके। तो अगर हमें कोई भी एक वीडियो प्ले करनी है जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर है, तो सिंपली क्या करते हैं उस वीडियो पर जाकर डबल क्लिक करते हैं, या अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें तो उस एप्लीकेशन पर जाते हैं, और एप्लीकेशन पे भी जाके हम उस वीडियो को प्ले कर सकते हैं, डायरेक्टली उस वीडियो को प्ले करेंगे तो उस एप्लीकेशन के थ्रू क्या हो जाएगा प्ले हो जाएगा। तो अगर कोई भी हमें डेटा एक्सेस करना है, तो यानी कोई भी प्रोग्राम फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, तो ये प्रोग्राम बेसिकली क्या है एक तरीके से आपका सेटअप, यानी जो सॉफ्टवेयर है, ओके, सेटअप। अगर हम डेस्कटॉप या लैपटॉप की बात करें तो एग्जांपल ले लिए VLC मीडिया प्लेयर, या अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन की, एंड्रॉयड फ़ोन की, तो उसमें क्या होता है आपका MX प्लेयर। अब सपोज दैट हमें कोई वीडियो प्ले करनी है, तो उसके लिए क्या होगा, अगर ये डेटा फाइल, ये हमारा क्या है वीडियो फाइल, तो इस वीडियो फाइल को हमें ओपन करना है, तो उसके लिए कोई ना कोई एक सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। तो इस वीडियो को प्ले करने के लिए हमें इस प्रोग्राम फाइल की ज़रूरत होगी, VLC मीडिया प्लेयर या MX। अगर कंप्यूटर की बात करें, डेस्कटॉप की बात करें या लैपटॉप की, तो यहाँ हम क्या करेंगे VLC मीडिया प्लेयर की बात करें, ओके। प्लेयर डिफरेंट टाइप के प्लेयर होते हैं आपका VLC मीडिया प्लेयर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर एंड सो ऑन, ओके। तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो आपका डेटा होगा यानी वीडियो होगी उस पर क्या करेंगे डबल क्लिक। तो सिंपली क्या होता है, ये डेटा फाइल उठ के कहाँ जाती है आपकी मेन मेमोरी, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो वो कहाँ होता है आपका मेन मेमोरी में। तो सिंपली ये जो आपकी डेटा फाइल है वो उठ के कहाँ आ गई, इधर, इसको क्या कहते हैं डेटा फाइल। और उसके साथ ही साथ क्या होगा, जो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोग्राम होगा या तो हम डायरेक्टली इस पर डबल क्लिक करके उस वीडियो को इंपोर्ट करके चला सकते हैं, या अगर ये जो आपका वीडियो फाइल है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो इस वीडियो यानी जो भी इसका फॉर्मेट होगा .mp4 जिस तरीके का फॉर्मेट होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका एप्लीकेशन यानी जो आपका सॉफ्टवेयर वो क्या होगा आपका स्टार्ट हो जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये क्या होगा आपका प्रोग्राम फाइल उठ के कहाँ जाएगा आपका मेन मेमोरी में। ये क्या आपका प्रोग्राम फाइल, ओके, जिसको प्रोसेस भी कहते हैं। तो प्रोग्राम फाइल जो होता है वो जैसे ही मेन मेमोरी में आया तो वो क्या हो जाएगा आपको मशीन कोड, यानी जब एग्जीक्यूशन होगा, क्योंकि CPU क्या समझता है सिर्फ मशीन कोड, ओके। तो क्या होगा इस ये जब CPU लाइन पे लाइन इसको एग्जीक्यूट करेगा तो ये क्या है प्रोग्राम बेसिकली क्या है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कोई ना कोई यानी जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा होगा उसमें कुछ एग्जीक्यूशन होगा, उस एग्जीक्यूशन के बाद हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल रहा है। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, सिंपली जो हमारा वीडियो फाइल है वो ओपन होकर हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, ओके। तो जैसे ही ये आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो इसके लिए इस डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब प्रोग्राम यानी जो भी ऑपरेशन होगा वो क्या होगा आपका इस डेटा पे होगा। दैट मीन्स ये आपका डेटा का मतलब क्या है, ये वीडियो आपकी प्ले होके आ जाएगी। तो ये जो आपका डेटा फाइल है उठ के यहाँ आया, तो अब इस डेटा को हम मेन मेमोरी में किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, ओके, यानी अरेंजमेंट ऑफ क्या आपका अरेंजमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो आपका है अरेंजमेंट ऑफ डेटा, ओके, इन मेन मेमोरी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग जो भी ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन क्या हो रहा है बेसिकली जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ये जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसके करस्पॉन्डिंग ये आपका वीडियो प्ले हो रहा है। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या होगा आपका ऑपरेशन ऑन डेटा, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहिए, यानी जो भी आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इस एग्जीक्यूशन के बाद जो है हमें कुछ आउटपुट यानी रिजल्ट चाहिए। तो वो रिजल्ट क्या है, वीडियो हमारी प्ले हो गई। तो जो ये अरेंजमेंट ऑफ डेटा आपका मेन मेमोरी में हो रहा है इसको क्या कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो एक बार इस डेफिनेशन को फिर से रिवाइज करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज अरेंजमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, ओके, यानी डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है अरेंजमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। जो भी आपका डेटा उसको किस तरीके से हम मेन मेमोरी में अरेंज कर रहे हैं ताकि सो दैट दे कैन यूटिलाइज एफिशिएंटली, यानी हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकें, यानी जो भी इस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो और उस ऑपरेशन से जो रिजल्ट हमें मिल रहा है इस तरीके से हम उसको अरेंज करें कि हमारा जो है मैक्सिमम यानी आउटपुट जो हमें मिले, ठीक है, वो हमारा ऑप्टिमल रिजल्ट यानी बेस्ट रिजल्ट मिले। तो यहाँ क्या है यूटिलाइज एफिशिएंटली। तो ये था आपका डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक डेफिनेशन। तो अब जैसे यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ जैसे ये आपका क्या है जो ये डेटा यहाँ स्टोर है दैट मीन्स ये भी तो डेटा यहाँ पर सेव है। तो ये जब उठ के यहाँ आया तो इसको क्या कह रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ जो स्टोरेज होता है इसको क्या कहते हैं एक तरीके से डेटाबेस, यानी अगर सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा आपका स्टोर है तो उसको डेटाबेस कह रहे हैं। वही डेटा उठ के जब आपका एग्जीक्यूशन के फॉर्म में आएगा तो यहाँ जो अरेंजमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा है उसको क्या कह रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो ये था डेफिनेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर है, सिलेबस में हमें डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के सिलेबस में कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर हैं। यानी नेक्स्ट जो आपका है वो है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर या क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, और हर एक डेटा स्ट्रक्चर पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो डिस्कस करते हैं, ओके। सो अब डिस्कस करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के वेरिएशन दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ओके। तो क्लासिफिकेशन में आपका क्या है डेटा स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक होता है आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा क्या आपका नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, ओके। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आई थिंक ऑलरेडी आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, आपका इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, पॉइंटर, ये सारे क्या हैं प्रिमिटिव। तो खैर ये अभी थ्रू आउट जो है इस पूरे कोर्स में ये वन बाय वन सारे यूज होंगे। जैसे आपका इंटीजर होता है यानी ये क्या आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, यानी ये भी कुछ ना कुछ जो है डेटा स्टोर करता है। मेनली जो आपका इंटीजर होता है वो 2 बाइट या 4 बाइट की जो है मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, उसमें वैल्यूज स्टोर करती हैं। कैरेक्टर 1 बाइट एंड सो ऑन, इस तरीके से क्या है ये आपका प्रिमिटिव है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन खैर ये चीज़ें आपकी डेटा स्ट्रक्चर के पूरे कोर्स में यूज़ होंगी, तो वहाँ ये सारी चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव भी दो तरह का होता है, आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा क्या होता है आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ओके। तो लीनियर का मतलब क्या हुआ सीक्वेंशियली, यानी वन आफ्टर अनदर, ओके। तो वो क्या होता है उसमें टोटल आपके जो है 4 तरीके के होते हैं, एक आपका एरे है, दूसरा स्टैक है, तीसरा क्यू है, लिंक लिस्ट है, ओके। तो ये वन बाय वन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक टॉपिक अपने आप में एक चैप्टर है, ओके। दूसरा क्या आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहला आपका क्या है ग्राफ और उसके बाद क्या आपका ट्री। ओके, तो ये बेसिकली ये क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है कि कितने तरह के डेटा स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो डिस्कशन है पूरे थ्रू आउट डेटा स्ट्रक्चर में एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट और जो है आपका ग्राफ और ट्री, इसके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले इसका डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो हम डेटा स्ट्रक्चर पे क्या करते हैं, यानी जो कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो क्या आपका ट्रैवर्सिंग, नेक्स्ट क्या है सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, सॉर्टिंग एंड मर्जिंग। तो आई थिंक एरे के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि बेसिकली एरे क्या होता है। तो एरे का एग्जाम्पल लेके ये सारे ऑपरेशन जो है फ्रिक्वेंटली हम लोग इसको जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये सारे जो ऑपरेशन सारे डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में। तो सपोज दैट अगर आपकी एक एरे है, सपोज इस तरीके से लिखा हुआ इंट ए ऑफ 5। ओके, इस तरीके से लिखा हुआ इंट ए ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ कि आपका एक एरे है कैपिटल ए जिसका नेम क्या आपका एरे नेम ए और इसकी साइज क्या है 5 और उसका डेटा टाइप क्या आपका इंटीजर। ओके, तो एरे किस तरीके से क्रिएट होती है मेमोरी में, ये क्या होगा आपका मेन मेमोरी में एक एरे क्रिएट होगी। टोटल इसमें कितने स्लॉट आएंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये एरे क्रिएट हो गया, इसका नेम क्या आपका एरे नेम कैपिटल ए, इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, 4 है। ओके, तो अब क्या होगा सपोज ए ऑफ 5 का मतलब, क्योंकि एरे की साइज फिक्स होती है, खैर एरे के बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिर्फ ये ऑपरेशन समझाना है कि वन बाय वन सारी चीज़ें समझ में आए कि ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग और ये ऑपरेशन क्या होते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके सारे ऑपरेशन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सपोज दैट इसमें कुछ एलिमेंट्स है, सपोज दैट 4 है, 6 है, 3 है, 2 है एंड 9 है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, ये एक एरे है जिसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। तो अब इसमें जो आपका पहला ऑपरेशन है ट्रैवर्सिंग, तो ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है सिंपली एक वॉक, यानी ट्रैवर्स का मतलब ये है कि पूरे एरे को हम विजिट करें। ट्रैवर्सिंग का मतलब बेसिकली क्या करना है, सारे एलिमेंट को एक बार विजिट करना है। कुछ जो है आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो ट्रैवर्सिंग क्या हुआ सिंपली क्या है, सपोज दैट अगर आपको एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कर दिया। ओके, तो खैर किस तरीके से प्रिंट होगा उसको भी देख लेते हैं। सपोज दैट आपका फॉर लूप हमने लगाया, i = 0 से स्टार्ट किया और i < 5 एंड i++। ओके, यार इसकी हम लोग कोडिंग भी हम साथ ही साथ डिस्कस करते जाएंगे जब इस चीज़ को हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करें। अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं कि सारे ऑपरेशंस क्या हैं बेसिकली। और उसके बाद इसमें लिख दिया printf, ओके printf %d एंड a ऑफ i, इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ i की वैल्यू 0 यानी इंडेक्सिंग, यानी i की वैल्यू 0 है तो 0 और i < 5 कंडीशन ट्रू होगा। यहाँ है printf %d और एरे के एलिमेंट को अगर हमें एक्सेस करना है तो a ऑफ i इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a ऑफ i का मतलब जो है, सॉरी ये एरे नेम क्या है आपका कैपिटल में, तो यहाँ भी एरे नेम कैपिटल में होगा। a ऑफ i का मतलब क्या हुआ कि i की वैल्यू क्या आपकी 0, तो a ऑफ 0 का मतलब 4, तो सिंपली क्या होगा आपका 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर वापस आए i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई तो i की वैल्यू 1 हो गई, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका 6 प्रिंट होगा, नेक्स्ट 3 प्रिंट हो जाएगा, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 9। तो सिंपली क्या है एक वॉक, वॉक का मतलब जस्ट एक विजिट कर रहे हैं। ओके, सपोज दैट हम कहीं गए और सिर्फ विजिट कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं ट्रैवर्सिंग। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑपरेशन ट्रैवर्सिंग। दूसरा क्या है आपका सर्चिंग। तो सपोज दैट अगर आपके पास यही सेम आ रहे हैं, अब हमें कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करना है, सपोज दैट हमें एलिमेंट सर्च करना है 2, तो किस तरीके से सर्च करेंगे, तो सर्चिंग में क्या है ट्रैवर्सिंग इनबिल्ट एक तरीके से। सिंपली क्या है फर्स्ट एलिमेंट यानी 0th इंडेक्स में वैल्यू चेक की क्या हमें एक्सेस करना है कि 2 इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं, तो इसको क्या करना है सर्च, किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी डेटा से की हम बात कर रहे हैं एरे के, तो एरे में हम उस एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ है इसको कंपेयर किया 2 को 4 से, तो ये नहीं मिला तो क्या करेंगे इंक्रीमेंट किया, यहाँ है 6 है, 3 है, 2, तो ये क्या मिल गया हमें 2 मिल गया। सपोज दैट अगर कोई भी एक एलिमेंट 6 हमें फाइंड करना है तो आए ट्रैवर्स किया और वो एलिमेंट मिल गया, उसका जो है आपको इंडेक्स रिटर्न कर दिया तो वो वैल्यू मिल जाएगी। अब सपोज दैट हमें कोई एक एलिमेंट हमें क्या करना है सर्च करना है कि 10 क्या है, 10 जो है इसमें सर्च करना है, तो आए यहाँ नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, एरे की जो है सारे एलिमेंट्स खत्म हो गए, इसका मतलब 10 जो है वो इस एरे में प्रेजेंट ही नहीं, तो उसको सर्च ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया सर्चिंग। ये क्या आपका इंसर्शन। तो सपोज दैट अगर आपका एरे का साइज़ एक और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमें अगर एलिमेंट सर्च करना होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे ये चेक करेंगे क्या उसमें स्पेस अवेलेबल है नहीं, अगर स्पेस ही नहीं हो तो इंसर्ट कहाँ करेंगे। ओके, तो इंसर्शन ऑपरेशन का मतलब ये है कि सपोज अगर यही 10 जो हमें फाइंड नहीं कर पा रहे थे लास्ट जब हम सर्चिंग करें क्योंकि ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट ही नहीं था, तो अब अगर मान लो सपोज इसमें इसको इंसर्ट करना है तो सिंपली स्पेस देखें, यहाँ हम क्या करेंगे इसको गए और 10 को यहाँ इंसर्ट कर दिया। ओके, ये हो जाएगा इंसर्शन। फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया लास्ट इंडेक्स पे, लेकिन हमें कहीं इन बिटवीन अगर सर्च करना, सपोज दैट ये एलिमेंट नहीं था, ये आपका एक ब्लैंक स्पेस है, क्योंकि हमें अगर एक एलिमेंट सर्च करना तो उसके लिए हमें स्पेस चाहिए, तभी हम उसको इंसर्ट करना होगा, तभी हम उसको इंसर्ट कर पाएंगे, स्पेस रहेगा तो ही। अब सपोज अगर हमें फर्स्ट इंडेक्स पे कोई भी एक एलिमेंट इंसर्ट करना, फॉर एग्जाम्पल 6 की जगह पे, तो यहाँ डायरेक्टली हम इंसर्ट नहीं कर सकते, हमें ये चेक करना होगा कि यहाँ स्पेस है, तो यहाँ स्पेस है तो सिंपली क्या करेंगे, 1 सबको राइट शिफ्ट कर देंगे, यानी इसको राइट शिफ्ट किया, इसको राइट शिफ्ट किया और इसको राइट शिफ्ट किया, तो यहाँ क्या होगा आपका स्पेस खाली हो जाएगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट यहाँ 6 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, तो ये स्पेस क्या हो जाएगा आपका फ्री। तो यहाँ कोई भी एलिमेंट सपोज 10 होगा तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको इंसर्ट कर देंगे। तो ये क्या है, नॉर्मली इंसर्शन हो गया। नेक्स्ट क्या आपका सपोज दैट फोर्थ ऑपरेशन क्या है, डिलीशन। तो सपोज दैट कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट यहाँ 9 था तो यहाँ 9 आ जाएगा, यानी ये ब्लैंक नहीं, ये ऊपर वाला एलिमेंट है। ओके ये सपोज दैट नहीं है कि आपका 6 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 9 है। अब सपोज दैट कोई भी एक एलिमेंट हमें डिलीट करना, फॉर एग्जांपल, तो डिलीशन में क्या होगा, तो सबसे पहले उस एलिमेंट को सर्च करेंगे, तो डिलीशन में क्या होगा, सर्चिंग होगी। ओके इंटरनली सर्चिंग भी वर्क कर रहा है। तो सपोज दैट अगर हमें कोई भी एक एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल 3 को डिलीट करना है, आए इस एलिमेंट को सर्च किया, 3 मिल गया, इसको सिंपली क्या कर दिया, डिलीट। तो डिलीशन बेसिकली क्या होता है, इसको अगर डिलीट कर दिए तो यहाँ ब्लैंक है तो इसको क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। लेकिन डिलीशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, यहाँ आए तो ये क्या आपका 3 है, तो अगर इस एलिमेंट को डिलीट करना है तो यानी राइट से जो भी एलिमेंट है उनको 1 बाय 1 लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। तो 2 यहाँ आ गया, 9 यहाँ आ जाएगा, तो सब सिंपली क्या आ जाएगा, 2 यहाँ आ गया और 9 यहाँ आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ओवर राइट हो जाएगी, तो वो चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी एक वेरिएबल दिया हुआ इंट एक्स विच इज इक्वल टू सपोज दैट 5 और एक्स इक्वल टू लिख दिया x+1, तो यानी ये क्या होता है आपका एक वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू क्या है 5। ओके तो सिंपली x+1 जैसे होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी, तो जो पुरानी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, गॉन। तो सिंपली यही सेम चीज़ क्या होता है डिलीशन में वो करता है, सिंपली क्या करेंगे, ओवरराइट कर देंगे, तो जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, फिनिश हो जाएगी। ये हो गया आपका डिलीशन। नेक्स्ट है आपका सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग बेसिकली जो क्या होती है, अगर कोई भी आपकी एक एरे है, फॉर एग्जांपल अगर यही है 4, 10, 6, 2, 9 और यहाँ क्या था आपका, ये एलिमेंट डिलीट हो गया, तो सपोज दैट यहाँ 5 है फॉर एग्जांपल। ओके ये अगर आपकी एरे है, इस पे अगर हमें सॉर्टिंग अप्लाई करना है तो सिंपली क्या होगा, इस पूरे एरे को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। तो डिफरेंट तरीके के सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आपका, अगर इसका रिजल्ट देखेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा, तो जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होगी यानी 2, उसके बाद क्या है आपका 4, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 5, नेक्स्ट 6 आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 9, देन आ जाएगा 10। तो ये क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में ये आपका अरेंज हो जाएगा, इसी को क्या कहते हैं सॉर्टिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा तो 10 पहले आ जाएगा, यानी इसी का जस्ट रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। ओके तो इसको क्या कहते हैं सॉर्टिंग। नेक्स्ट आपका है मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब क्या हुआ कि सपोज आपके पास एक एरे है। ओके ये आपकी एरे है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, सपोज दैट यहाँ दिया हुआ 1, 2, 3 एंड 4 और दूसरा एलिमेंट जो दिया वो यहाँ दे दिया है सपोज दैट 10, 11, 12 एंड 13। ये आपकी एरे है, ये 0, 1, 2, 3 ये इसका है 4, सपोज दैट ये है 0, 1, 2 एंड 3। ये सपोज दैट सब एरे ए है और ये एक एरे बी है। अब क्या करना है, इन दोनों को मर्ज करना। मर्ज का मतलब कॉन्कैटिनेट या कंबाइन करना। ओके तो सिंपली क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यहाँ टोटल एलिमेंट्स कितने आएंगे 8, तो हम क्या करेंगे एक नई एरे लेंगे जिसमें टोटल 8 स्लॉट होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सिंपली क्या करेंगे, इनको जो भी एरे का फर्स्ट एरे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको मूव करा देंगे इसमें, और बाकी इसके जस्ट बाद सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे यहाँ मूव करा देंगे। ओके 12 एंड 13। तो ये जो मर्जिंग होती है वो हम यूज़ करते हैं कुछ जो है सॉर्टिंग टेक्निक्स में। तो ये था आपका बेसिक आपका डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन, जिसमें आपके ये सारे ऑपरेशन तो एक एग्जांपल लेके थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू दे दिया है। ओके अब जो है ठीक है, ये था आपका डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन कि डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होती है और डेटा स्ट्रक्चर कहाँ यूज़ होता है, किस तरीके से होता है। तो उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू VLC मीडिया प्लेयर वाले जो एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया उससे थोड़ा बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एग्जाम्पल्स कई सारे हो सकते हैं, वो VLC मीडिया प्लेयर ही पर्टिकुलर ना है, कुछ भी हो सकता है कि जैसे हम कोई भी एक एप्लीकेशन एक्सेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितनी भी तरीके के एप्लीकेशन हम लोग, वो एप्लीकेशन क्या है बेसिकली, वो आपका प्रोग्राम फाइल है। ओके तो उस प्रोग्राम फाइल के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं। तो जो डेटा आपका एक्सेस हो रहा है वो किस तरीके से आपका मेन मेमोरी ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसी को हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये आपका था क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें आपका प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव है। तो नॉन प्रिमिटिव में आपका लीनियर और नॉन लीनियर है, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या ऑपरेशंस होंगे वो ये सारे हम लोगों ने डिस्कस किए। अब जो है नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिस्कस करेंगे एरे के बारे में। ओके।